राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में राजनीतिक पार्टियों की निगाहें अब उपचुनाव पर हैं। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश की सियासत में दलित उपेक्षा और दगाबाजी जैसे मुद्दों पर बयानबाजी का दौर चल रहा है और इसी बीच बीजेपी के संगठन मंत्री और सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके जरिए दलित उपेक्षा का मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बीजेपी के संगठन मंत्री और अन्य विधायकों के साथ सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में संगठन मंत्री स्टील जबकि चौधरी डिस्पोजल प्लेट में खाना खा रहे हैं। कांग्रेस ने इसे बीजेपी के SC/ST के प्रति व्यवहार बताते हुए चौधरी की भी आलोचना की है। रायसेन जिले के सांची से विधायक रहे प्रभुराम चौधरी कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री थे, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। हाल में उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो बीजेपी के संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी के साथ खाना खा रहे हैं। साथ में सिलवानी के विधायक रामपाल सिंह राजपूत और भोजपुर के विधायक सुरेंद्र पटवा भी बैठे हुए हैं। तस्वीर में जहां संगठन मंत्री को स्टील की थाली में भोजन परोसा गया है, पूर्व शिक्षा मंत्री को डिस्पोजल प्लेट में खाना दिया गया है और इसी तस्वीर को लेकर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष संजीव मालवीय ने कहा कि बीजेपी हमेशा SC/ST के साथ भेदभाव करती है। उन्होंने कहा कि चौधरी ने कांग्रेस के साथ किया, लेकिन पार्टी ने कभी उनके साथ भेदभाव नहीं किया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संदीप मालवीय ने कहा कि बीजेपी SC/ST का सम्मान नहीं कर सकती। आपको बता दें कि इस साल मार्च महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसके चलते प्रदेश में कांग्रेस की बहुमत की सरकार अल्पमत में आ गई और कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और इसमें चौधरी भी शामिल थे। बहरहाल उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश के दोनों प्रमुख पार्टियों के पास फिलहाल कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ऐसे में शुरुआती तौर पर दलित उपेक्षा जैसे मुद्दों पर एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।